बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम केजी क्लास, वेलकम बैक टू द उर्दू लेसन। आज किताब का सफ़र देख लीजिए, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। और प्यारे बच्चों, आपको मालूम है ना कि हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने की तरफ बढ़े हैं, यानी अब आपके सामने छोटे छोटे ऐसे जुमले आएंगे किताब में भी, और यकीनन और भी बहुत सारा जो प्रिंट मटेरियल टीचर ने रखा हुआ है क्लासरूम में, जैसे कुछ कहानियां रखी होंगी, कुछ रसाले रखे होंगे, कुछ अखबार की कटिंग्स रखी होंगी जिनमें से आप अल्फाज को या हरूफ को तलाश करते हैं, तो इस उन जब आप उन पेजेस को देखते हैं तो आपको छोटे छोटे जुमले नजर आते होंगे या ऐसे लफ्ज नजर आते होंगे जिनको आपको देखते ही पता चल जाता होगा कि इसको हमने कैसे पढ़ना है। तो जनाब, यही आपकी सारी कोशिश जो है आगे आपके बहुत काम आने वाली है। ये टीचर्स, आज के लेसन का तमाम मटेरियल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। याद रखिए कि किताब के सफ़े पे दी गई एक्टिविटी या लेसन पे दी गई प्लान में दी गई एक्टिविटी जो होती है वो सिर्फ एक स्टार्टअप होता है, एक कॉन्सेप्ट जो है बच्चों को डिलीवर करने का कॉन्टेंट होता है। ये मिनिमम कॉन्टेंट है, इसके ऊपर आपकी क्लास में जो है हर बच्चे को जो है अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और हर बच्चा ये किताब के सफ़े पे दिए हुआ कंटेंट जो है, चाहे वो लिखाई का है, चाहे वो पढ़ाई का है, चाहे वो किसी चीज़ की पहचान का है, वो हर बच्चे को होनी चाहिए, क्योंकि ये किताब, ये सबक आप और क्लास में आने वाला बच्चे का स्पेंड किया हुआ हर टाइम, हर मिनट जो है वो इम्पॉर्टेंट है। सब बच्चों के लिए आपने इस चीज़ की कोशिश करनी है कि कम से कम किताब का सफ़ा हर बच्चे को समझ आना चाहिए, और समझ आने के लिए आपको वो एक्टिविटीज़ करवानी है जिससे आपने बच्चों की समझ को इवेल्यूएट करना है। ये नहीं देखना कि जो लिख रहे हैं किताब में वो सही लिख रहे हैं, अगर बोल भी सही रहे हैं, पढ़ भी सही रहे हैं, तो उसका मतलब है कि वो सही डायरेक्शन में है और उनको रीडिंग आ गई है। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं, अल्फाज में जबर का इस्तेमाल। तो प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि नर्सरी क्लास में हमने जबर, जेर और पेश की आवाज से शुरू होने वाले बहुत सारे अल्फाज सीखे थे। क्या आपको पहचान है कि जबर की क्या शक्ल होती है, या जेर कैसे देखने में हम पहचानते हैं, और पेश का क्या चेहरा होता है जब हम उसको लिखा हुआ देखते हैं या लिखने की कोशिश करते हैं? जबर जो है हमेशा लफ्ज के ऊपर लिखी जाती है, सीधी एक स्लांटिंग सी छोटी सी लाइन होती है। जेर जो है वो एक सीधी स्लांटिंग लाइन होती है जो कि अल्फाज के नीचे लिखी जाती है, और पेश ऊपर लिखी जाती है जो एक छोटी सी वाव की शक्ल की होती है। इसलिए उसकी शक्ल ऐसी होती है कि जब हम बोलते हैं तो हमारे लिप्स भी उसी तरह राउंड हो जाते हैं ना, जैसे बुल बुल, तो वो जो पेश की साउंड है हमारे लिप्स की वजह से भी उसको आप पहचान सकते हैं कि वो एक छोटी सी वाव की तरह होती है, इसलिए इसको पेश बोलते हैं, और उससे जो है आवाज गोलाई में चली जाती है। वेरी गुड। तो टीचर्स, इसी तरह आपने ये छोटी सी रिकग्निशन बच्चों से करवानी है। मैंने बच्चों के साथ शेयर किया है कि ये पहचान बता दें, जबर जेर पेश को लिखा हुआ देखेंगे तो ये कैसे पहचानेंगे। अभी आपने यही चीज बच्चों को रिवाइज करवानी है डिफरेंट एक्टिविटीज के जरिए। अभी एक रिविजन की एक्टिविटी जो मेरे पास है वो ये है कि जबर से बनने वाले कोई से भी तीन अल्फाज बच्चों ने आपको बताने हैं। टीचर्स याद रखिएगा, हम जबर के अल्फाज की बात कर रहे हैं, अलिफ के साथ अरकान वाले अल्फाज की बात नहीं करें। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं बस्ता, तो बस्ता है, बादल में चूंकि ये रुकन है इसकी हम बात नहीं करें। ये नहीं है आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक। हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो वोकैबुलरी वर्ड्स जिनके आवाज हरूफ तहजी शुरू ही जबर की आवाज से होती है, जैसे कि बंदर, परिंदा वगैरह वगैरह, यानी उसमें अलिफ का रुकन शामिल ना हो। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात की समझ आ गई है। टीचर्स, अभी आपने बच्चों से जबर की आवाज वाली वोकैबुलरी वर्ड्स शेयर करने हैं, और ये करना है बच्चों से कि वो आपको भी बताएं। अगर आपने फ्लैश कार्ड या वोकैबुलरी बोर्ड बनाया हुआ है तो उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। यू कैन फील फ्री टू डू दैट। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और कुछ जबर वाले अल्फाज दोहरा लीजिए। बेस्ट वोकैबुलरी बैंक टीचर्स, जो प्ले ग्रुप में इन्होंने वोकैबुलरी सीखी थी, और नर्सरी में जो वोकैबुलरी इन्होंने हरूफ तहजी की पहचान के लिए सीखी थी,
अगर वो ही ये बच्चे रिपीट भी आपको करके बता रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने सही जबर वाले अल्फाज जो हैं उनके साथ शेयर किए हैं, क्योंकि नर्सरी क्लास में हमने जेर और पेश के साथ साथ और अरकान के साथ साथ जिस तरह आवाज़ों को पहचाना है उसी की मदद से, उसी कॉन्सेप्ट की मदद से अब हम केजी पे भी आगे बिल्टअप कर रहे हैं और अल्फाज की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। आज किताब के सफ़े पे जो एक्टिविटी है, जबर के साथ हरूफ की पढ़ाई करेंगे हम, एराब की मदद से अल्फाज और जुमले दुरुस्त तलफ़ से पढ़ने की कोशिश करेंगे हम, सुनकर जबर वाले अल्फाज की निशानदेही कर सकेंगे। तो जनाब डियर टीचर्स, सुनकर अल्फाज की शनाख्त करने के लिए आपने खुद भी ज़्यादा सारे अल्फाज जो है अपने पास रखने हैं, आपने कहीं लिखे हुए रखे हैं या आपने फ्लैश कार्ड्स जो है वो रखे हुए हैं जो कि आपको भी हेल्प करें। यकीनन अगर आपने फ्लैश कार्ड अलहदा किया और आप भी देख रही हैं तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा लफ्ज़ बोलना है। और आपने चूंकि सुनने की एक्टिविटी करनी है जो कि हमारा आज का एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम कह रहा है कि बच्चे सुने, तो आपने बहुत सारे वर्ड्स मिक्स करके बोलने हैं ताकि उसमें से आपको पता चले कि सुनने की हद तक कहाँ तक ये वाला टास्क अचीव हुआ है। और ये प्योरली आपने करना है, आराब की मदद से दुरुस्त तलफ़ के साथ अल्फाज पढ़ सकें, ख़ासतौर पे वो जो किताब के सफ़े पे दिए गए हैं। उसके बाद अगर आपने मजीद कोई छोटे छोटे जुमले बोर्ड पे लिखे हैं या इनसे लिखवाए हैं या इनसे कहा है कि आपको पढ़ के बताएं, तो उसमें भी आपने इनके तलफ़ का ख्याल रखना है। टीचर्स, तेज़ बोलना, रवानी से बोलना, अल्फाज को जो है वो सही तरीके से इस्तेमाल करना और अपने लहजे को भी कंट्रोल करके अल्फाज को सही वक्त पे अदा करके सही वक्त पे सवाज को जो है मुकम्मल करना, लफ्ज़ को मुकम्मल करना, इससे बनता है बच्चों का सही तलफ़ुस। तो आइए बच्चों, स्क्रीन पे आने वाली कुछ तस्वीर जो आपने ऑलरेडी देखी हुई हैं, आपको इनके नाम भी आते हैं, लिखने भी आते हैं, आपने मेरे साथ करने हैं प्रैक्टिस एक दफ़ा और उसके बाद फिर हम टीचर से कहेंगे कि वो आपको मजीद अल्फाज की प्रैक्टिस करवाएं। तो आइए शुरू करते हैं। पहली तस्वीर किसकी है? ये है जहाज, जहाज। अंगूर, अंगूर। दरख्त, दरख्त। दवात, दवात। तो टीचर्स, लेट मी गिव यू अ रिमाइंडर, और बच्चों को भी ये चीज़ जो है वो अच्छी तरह से मैं याद दिला दूं कि जितने भी हरूफ़ तहजी जो अपनी असल ओरिजिनल आवाज़ रखते हैं, जो उनकी हकीकी आवाज़ है, वो है ही ज़बर के साथ। और यही कॉन्सेप्ट हमने प्ले ग्रुप में भी दिया था और नर्सरी में भी दिया था कि जब आप आवाज़ की का इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं, पहली दफ़ा बच्चों को सुना रहे हैं, पहचान करवा रहे हैं, तो वो तमाम आवाज़ें ज़ब्र की आवाज़ के साथ यानी ज़ब्र के साथ होंगी। और उसके बाद जब हमने अरकान डिस्कस किए थे तो हमने अलिफ वाओ छोटी और बड़ी वाले रुकन प्रैक्टिस किए थे और उसके बाद फिर हमने ज़ेर और पेश को डिस्कस किया था। तो टीचर्स, अभी आपने प्ले ग्रुप में की हुई जितनी भी वोकैबलरी थी, अगर उसके फ्लैश कार्ड अपने पास रेडी कर लिए हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास एक अच्छा वर्ड बैंक मौजूद है जिनके शुरू में ज़ब्र की आवाज़ आती है। तो अभी वीडियो को पॉज कीजिए और इस लिसनिंग स्पीकिंग की एक्टिविटी को एग्जीक्यूट कीजिए। ये टीचर्स, कोई भी छोटे बच्चों के साथ एक्टिविटी हमेशा हम आपने लिसनिंग और स्पीकिंग के से स्टार्ट करनी होती है, कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन देनी होती है या कोई ना कोई ऐसी बात करनी होती है इंट्रीगिंग, जिससे बच्चों का तजस्सुस जो है वो बढ़ सके और ये सोचें वो कि आप उनसे क्या कहना चाह रही हैं या क्या पूछना चाह रही हैं। और इसी पूछने और बताने के अमल को अगर आप थोड़ा सा खेल खेल में किसी नज्म की मदद से, किसी कहानी की मदद से, खिलौनों की मदद से, रंगों की मदद से करती हैं तो बच्चों को लगता है हम खेल रहे हैं, हालांकि खेल खेल में आप उनको पढ़ना सिखा रही हैं, लिखना सिखा रही हैं, सुनकर सही तरीके से जवाब देना सिखा रही हैं। तो आइए अभी बच्चे क्या करेंगे, स्क्रीन के ऊपर मेरे पास कुछ चीज़ें पढ़ने के लिए हैं, कुछ अल्फाज हैं, कुछ आगे आने वाले जुमले हैं जो बच्चों ने पढ़ने हैं मेरे साथ, और उसके बाद जब ये हम रीडिंग कर लेंगे ध्यान से तवज्जो से तो टीचर आपको रीड करके बताएंगी और फिर आपने खुद से रीड करना है। तो ये टीचर्स, बच्चे जितना ज़्यादा सुनते हैं उतना ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होती है, तो इसका हमेशा जब भी आप कोई लिस्टिंग की एक्टिविटी करवा रही हैं, शुरू करवा रही हैं, तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि एक तो ये मेरा लेक्चर सुने, यहाँ पे अल्फाज जो मैं अदा करी हूँ उनको एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीन दफ़ा नहीं, जितना आपको लगता है सुनाना है उतनी दफ़ा सुनाएं, उसके बाद वीडियो को पॉज करके आप वो तमाम अल्फाज दोहराएं,
और बच्चों से कहें आपके साथ रिपीट करें, और उसके बाद इनको बेशक ग्रुप्स में बांट दें कि चलो बच्चों अब मुझे तो आपने सुना दिया, मेरे साथ तो पढ़ लिया, अब अपने दोस्तों को या अपने पेयर्स को सुनाओ। तो जब 2-3-4 दफा डिफरेंट लेवल्स पे वही अल्फाज बच्चे बार बार सुनते हैं, तो जब इंडिपेंडेंट होके खुद बैठ के अपनी किताब का सफा खोल के पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो फिर उनको याद आ जाता है, वही आवाज़ें उनके कान में दोबारा आने लग जाती हैं जब मैंने रीड किया या आपने रीड किया या उन्होंने फ्रेंड्स के साथ रीड किया। तो ये कोशिश कीजिए कि लिसनिंग स्पीकिंग की तमाम एक्टिविटीज जो हैं वो बच्चों को आपने मल्टीपल टाइम्स सुनने और बोलने के बाद फिर इंडिपेंडेंट टास्क पे लेके जाना है। तो आइए रीड करते हैं। पहला लफ्ज है रब, बस, दस, जग, अब, पर, सब, शब, न, रख, पढ़, रग, सच, रश, आदम, लड़का, सर्दी, बकरी, रोजा, बरकत, अनार, हरकत, घर। तो टीचर्स अभी आपने करना है इस वीडियो को पॉज, चाहे तो इस वीडियो का ये जो रीडिंग वाला हिस्सा था इसको दोबारा से रिपीट कर लें। अगर आप रिप्ले नहीं करें तो अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे है कि यही अल्फाज आपने एक दफा खुद सारे पढ़ने हैं, और उसके बाद फिर बच्चों से कहना है कि आपके साथ एज अ ग्रुप रीडिंग या ग्रुप एक्टिविटी करें। मल्टीपल टाइम्स रीड करने के बाद आप इनको देंगे इंडिविजुअल टाइम। सो प्लीज पॉज द वीडियो। जी टीचर्स, अभी चूंकि बच्चों ने आपके साथ रीड किया है, खुद भी रीड किया है, तो जो भी इनके लिए एक्टिविटी यहाँ पर रिकमेंड मैं कर रही हूँ वो भी रीडिंग से ही है, और वो है ग्रुप की शक्ल में। तलबा को चार ग्रुपों में तकसीम करें, हर ग्रुप को हरूफ तहजी के फ्लैश कार्ड दिए जाएं जिनसे वो जुमले बनाएं। हर ग्रुप को 3-3 जुमले बनाने का कहें। अब आप उनको हरूफ तहजी, जरूरी बात है जब जबर के लिए दे रही हैं तो वो फिर उन्हीं हरूफ तहजी से मजीद अल्फाज बनाएंगे, और अब ग्रुप्स में जो है अल्फाज बना के उनको रीड करने की कोशिश करेंगे। अगली एक एक्टिविटी जो रिकमेंड कर रही हूँ मैं वो है रीडिंग की, जो कि किताब के सफ़े पे दी गई है, जिसमें भी इनको जबर वाले अल्फाज नज़र आ रहे हैं। सो टीचर्स, अभी आपने बच्चों को करवानी है ये रीडिंग। बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो ऑलरेडी बच्चों को आते हैं और उनको इनकी पहचान है, जो उन्होंने पीछे बॉक्स में भी रीडिंग करके प्रैक्टिस की है। तो जब ये बच्चे तमाम पेज खुद से रीड करने के काबिल हो जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि आज आपने इनकी बहुत सारी जबर वाले अल्फाज की प्रैक्टिस करवा दी है। वर्कशीट दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर अ लिटिल राइटिंग, ताकि बच्चों की राइटिंग की भी साथ साथ प्रैक्टिस हो, और फिर बच्चों ने अपने खुद से छोटे छोटे जुमले बनाने हैं जो किताब के सफ़े पे दिए गए हैं। अगर टीचर्स आपको लगता है ये घर के काम के लिए मुनासिब है तो घर के काम के लिए दे दीजिए, वरना क्लास में अगर ये काम आप करवाती हैं तो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्लास आपकी इस टास्क को कम्प्लीट कर सकती है या नहीं। अभी ये टीचर्स आपके लिए जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं उन्हीं के मुताबिक मैंने इस लेसन को कंटिन्यू किया है। लेसन के दौरान मैंने आपको कुछ सजेशंस दी हैं, और उन सजेशंस का मकसद ये है कि आप अपने लेसन को मजीद इफेक्टिव बनाएं और बच्चों की रीडिंग में अपना फुल कंट्रीब्यूशन दें और उनको इंडिपेंडेंट रीडर्स बनाने की कोशिश करें। तो चलिए बच्चों, अभी किताब के सफ़े पे बहुत सारी आपने रीडिंग भी करनी है और कुछ जुमले भी बनाने हैं, तो जल्दी जल्दी से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छी अच्छी रीडिंग कीजिए, राइटिंग भी कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।